हाय ऑल, मैं हूँ दीपा बनारस दिकुड़ी। कैसे हो आप सब? आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मुझे वायरल है। और चलिए आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इजी पार्टी मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, और ये सभी अटेम्प्ट कर सकते हैं, हर कोई इसको कर सकता है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैंने प्राइमर लिया, जो कि मेकअप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राइमर। उसको अच्छे से स्किन में डैब करके प्रेस करके लगाना चाहिए जेंटली। उसके बाद क्योंकि ये पार्टी मेकअप है तो थोड़ा सा ग्लोई लगना चाहिए, तो ये मैंने स्विस बीटी का थोड़ा सा ये हाइलाइटर यूज़ किया है, और इसको मैं अपने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में लेके मैं पूरी स्किन में लगा रही हूँ। इसको आप देखोगे इससे तुरंत ही लगाते ही काफ़ी नेचुरल ग्लो आता है, और आपका लुक भी ना बहुत स्मूद आता है इसको लगाने से। पार्टी के लिए बहुत अफोर्डेबल और अच्छा प्रोडक्ट है। फिर मैंने ये लैक्मे 9to5 का मैंने ये कंसीलर यूज़ किया है, जो कि मेरी स्किन टोन से काफ़ी मैच हो रहा है, और क्योंकि मेरे बहुत डार्क सर्कल नहीं हैं और बहुत स्किन पे डार्क स्पॉट्स नहीं हैं, तो मेरा इससे ये काम चल जाता है। तो मैं कलर करेक्टर यूज़ नहीं करती हूँ, इससे ही मेरा बहुत अच्छे से कलर करेक्टिंग हो जाता है स्किन पे। आप देख सकते हो सब कुछ मैच हो गया। उसके बाद मैंने ये 9to5 का ही फाउंडेशन यूज़ किया है, और ओ गॉड, मेरा फाउंडेशन गिरते गिरते बचा था एक्चुअली, क्योंकि काफ़ी लिक्विड फॉर्म में होता है, बट ये बहुत अच्छा होता है, काफ़ी देर स्टे भी करता है और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। फिर मैंने ये स्पंज यूज़ करके उसको पूरा अपनी स्किन में अच्छे से डैब करके प्रॉपरली टाइम लेके मैंने इसको अपने स्किन में लगाया। फिर मैंने ये हाइलाइटिंग कंसीलर लगाया, थोड़ा सा लाइट शेड, एक टोन लाइट मैंने अपने स्किन से लगाया। ये मेरा NYB का कंसीलर था, और इससे थोड़ा सा हाइलाइटेड हो जाता है लुक। फिर मैंने ये फेस पाउडर मेबलिन का फेस पाउडर यूज़ किया कॉम्पैक्ट, और मैं इसी से लगाती हूँ, मैं ब्रश से नहीं लगाती हूँ इसको, मैं इसके स्पंज से ही लगाती हूँ। और फिर मैं ये कॉन्ट्रोलिंग करना भूल गई थी, तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गई, बट इट्स ओके। अगर आप कॉन्ट्रोलिंग भूल भी जाते हो तो आप ब्रॉन्जिंग कर लो, आप ब्रॉन्जिंग कर सकते हो। ब्रॉन्जिंग आप कॉम्पैक्ट वगैरह लगाने के बाद भी कर सकते हो, तो उससे भी लुक सेम ही वैसे ही आता है, आपके फेस काफ़ी उभर कर आता है। तो मैंने उसके बाद, ये मेरे पास एक आई शेडो पैलेट था, उसमें एक ब्रॉन्ज कलर था, उसी से मैंने अपने पूरे फेस की ब्रॉन्जिंग की, और जहाँ जहाँ मुझे लगा कि कट करना चाहिए अपने फेस को, वहाँ वहाँ मैंने उसको प्रॉपरली लगाया, अपनी नोज़ पे, अपने चिन पे, डबल चिन जो हमारा हाइड करता है उसको लगाना चाहिए हमें, अगर आप थोड़े से भी चबी हो लाइक मी। और उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से लगाया, फिर इसी सेम कलर को मैंने अपने आई लिड्स पे भी क्रीज आई शेडो के रूप में लगाया, और मैंने उसको प्रॉपरली धीरे धीरे अपने आई शेडो को ब्लेंडिंग के लिए हमेशा टाइम लेना चाहिए। हम जो शॉर्ट्स में 15-20 सेकेंड में जो भी मेकअप दिखाते हैं, उतनी देर में कोई भी मेकअप नहीं होता है, उसमें थोड़ा तो ब्लेंडिंग और फाउंडेशन मैच करने में सब कुछ टाइम लगता है। तो ये मेकअप मेरा 15-20 मिनट पे पूरा हुआ था, बट काफ़ी जल्दी हुआ था, जितना मैंने चीज़ें अप्लाई की थी उस हिसाब से मैंने काफ़ी जल्दी किया था। मैंने कोई ब्रश भी ज़्यादा यूज़ नहीं किए थे, और सारे ही मैं फिंगर की हेल्प से मोस्टली ट्राई कर रही थी करने का, ताकि ये सभी के लिए इजी हो, बिगनर्स भी हो वो भी इसको कर सकते हैं। आप एक एक स्टेप देखो मैंने कितनी ईजिली किया। फिर मैंने सिल्वर शेड को अपने इनर कॉर्नर से लेकर मिडल तक पूरा अप्लाई किया, फिर लास्ट में ब्लैक कलर से थोड़ा सा मैंने अपने ये आईज़ के कॉर्नर पे उसको अप्लाई किया था, फिर मैंने नीचे अपनी लोअर लैश लाइन पे ही उसी ब्लैक कलर से थोड़ा सा उसी को स्मच कर लिया, और मैंने जो उसमें सिल्वर कलर है आई शेडो पैलेट में, उसी को मैंने अपने ये इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया है। फिर मैंने आईब्रो किया, आईब्रो के लिए मैं कलर बार की चेस्टनट जो शेड है आईब्रो पेंसिल वही यूज़ करती हूँ, मुझे वो बहुत सही लगती है, मैं और कोई चीज़ नहीं यूज़ करती हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा हाईलाइट, क्योंकि ये पार्टी मेकअप है, थोड़ा सा तो ग्लोई और थोड़ा सा तो प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, तो मैंने थोड़े से ग्लिटर यूज़ किया। ये बहुत ही अफोर्डेबल ग्लिटर पैलेट है, ये मैंने मीशो से बाय किया था, और लिटरली ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, इसके ग्लिटर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है और स्टे भी करता है इस पर। फिर मैंने आईलाइनर लगाया, मोस्टली मैं विंग्ड आईलाइनर प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरी आईज़ पे सूट करता है। अगर आपको विंग पसंद नहीं है तो आप नॉर्मल आईलाइनर अपने आईज़ के अकॉर्डिंग थिक या फिर जैसा भी आपके आईज़ पे सूट करता है वैसा आप लगा सकते हो। फिर मैंने थोड़ा सा काजल भी अप्लाई किया, क्योंकि काजल लगाने से आंखें थोड़ी सी और खुली खुली सी लगती है, बट पूरे टोटल ये लोअर लैश लाइन पे नहीं लगाना है, कॉर्नर्स को छोड़ देना है, उससे थोड़ी सी आंखें और बड़ी दिखती हैं। फिर मैंने ये लैक्मे का ही लिपस्टिक है, जो कि एज अ ब्लश यूज़ किया जाता है, इसको मैंने एज अ ब्लश इसी को अप्लाई करती हूँ। बहुत अच्छा ये नेचुरल फिनिश देता है, ऐसा लगता है कि आप नेचुरली आपके जो चिक्स हैं वो ग्लो कर रहे हैं, पिंकी पिंकी बहुत प्यारे लगते हैं। फिर मैंने हाइलाइटर, ये मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर है, जो कि मैंने यूज़ किया, और आप देख रहे हो हाइलाइटर लगाने से कितना फेस
निकल के आता है, एकदम उभर के आता है। तो प्लीज़ अगर आप पार्टी मेकअप कर रहे हो तो, अगर आप स्पेशली कोई हाईलाइटर नहीं है तो आप कोई भी आपका लाइट आई शेडो है उसको एज अ हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो, उससे भी आपका बहुत अच्छा लुक आएगा। फिर ये मैंने लाइनर लगाया जो कि मेरी मैग्नेटिक आई लैशेस का लाइनर था, मैग्नेटिक आई लाइनर था वो, उसके ऊपर भी मैंने ये लैशेस अपने स्टिक कर दी और ये बहुत अच्छे से लग जाती है, बहुत ईजी टू यूज़ होती है। इसका भी रिव्यू मेरे चैनल पर है, प्लीज़ जाकर आप देखिएगा, बहुत ही अच्छी है लैशेज है ये, मतलब मेकअप्स वगैरह के लिए अगर आपको लगाना है फटाफट तो ये बहुत अच्छी होती हैं गाइज, बहुत ही अच्छी होती है, बहुत इजी टू यूज़ होती हैं। फिर मैंने ये लिप लाइनर लगाया, डार्क शेड वाइन कलर का लिप लाइनर है, और उसी के साथ फिर मैंने उसके अंदर लिक्विड लिपस्टिक वाइन कलर की लगाई, क्योंकि जो मेरा ड्रेस है उस पर ये कलर बहुत प्यारा लगने वाला है। मेरी ड्रेस बिल्कुल लाइट कलर की है तो थोड़ा लिपस्टिक को मैंने डार्क शेड में लगाया जिससे कि लुक और मेकअप और अच्छा दिखे उस लाइट शेड पे। और ये फिर मैंने नायका की जो आई और लिप टिंट हैं ये मैंने यूज़ किया जो कि बहुत अच्छे हैं, ये मेटेलिक शेड हैं। और ये रहा मेरा लुक, आप लोग बताइए आप लोग कैसा लगा, बहुत प्यारा लग रहा था गाइस, मेकअप इतना फ्लॉलेस लग रहा था, इतनी स्किन अच्छी लग रही थी, आप लोग खुद देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है लुक। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत इजी और बहुत आसान मेकअप लुक है, और 15-20 सेकेंड की वीडियोस को ये मत सोचिए कि मेकअप इतनी जल्दी हो जाता है, मेकअप में थोड़ा टाइम लगता है। तो प्लीज़ आप लोग भी ट्राई करिए, ओके, फॉलो फॉर मोर, प्लीज़ सब्सक्राइब।